देखिए ये पेपर आप देख रहे हैं ना, मिड टर्म का, ये लास्ट ईयर का है। तो बहुत से जो आप देख रहे होंगे वीडियोस, उसमें इस पेपर को अपलोड किया जा रहा है। इसका कारण ये कि ये पिछले साल का मिड टर्म का एग्ज़ाम का पेपर है। ये मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में आपको दोनों पेपर इसमें दिखा देता हूँ। इसका मेन कारण ये है कि ये इसलिए बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है क्योंकि ये पिछले साल का मिड टर्म का पेपर है और सिलेबस बिल्कुल सेम है, तो ऐसे क्वेश्चन इस बार भी आ सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो सर्कल लगा है ना, वो सारे के सारे इसमें आंसर दिखा रखे हैं। मैं आपको सॉल्यूशन की वीडियो कोशिश करूँगा इसकी प्रोवाइड करने की। अभी आप इस वीडियो में ना ये पूरा का पूरा पेपर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने और भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और मैथ्स में जैसे आपका सेकंड चैप्टर आ रहा है, आपका थर्ड चैप्टर आ रहा है, और जैसे पुरानी बुक और नई बुक में जैसे कुछ चेंज हुआ ना, तो स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट है, क्यूब एंड क्यूब रूट है। तो आप स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट एंड क्यूब रूट वाले चैप्टर ज़्यादा करना, क्योंकि तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन एक आने आना है जो मैचिंग टाइप में होगा। और ये जो ऐसे वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग करते हैं ना, इस तरीके का भी क्वेश्चन जरूर आएगा। इंटरनल एक्सटर्नल एंगल जो होते हैं, आंतरिक और बाह्य कोण, वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब मैं आपको दूसरा एक पेपर और दिखाता हूँ। जैसे ये आपको मैंने मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर दिखाया, ऐसे ही आपको इवनिंग शिफ्ट का दिखा रहा था, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। और ये आप देख रहे हैं, ये इवनिंग वाला पेपर है। अच्छा, ये मत सोचना कि इस बार आपका यही पेपर आ जाएगा, ये केवल एक प्रैक्टिस के लिए है। और प्रैक्टिस होने की वजह से मतलब आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो, ठीक है। और देखो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन हम जल्दबाजी में करते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आ पाता कैसे। ये जो सर्कल लगे ना, ये आंसर है। आप पहले खुद ट्राई करके अपने आंसर कर सकते हैं। आपके कोर्स में सातवीं क्लास का भी आएगा ना, तो इसलिए कुछ सातवीं क्लास के भी क्वेश्चन है। जैसे ये किसी की पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 होती है, हमेशा ये याद रखना, ठीक है। तो अगर आपको ये स्पीड तेज लग रही हो ना, कि भाई इतना बड़ा पेपर है सर, बहुत स्पीड से दिखा रहे हैं, तो आप यूट्यूब में 3 डॉट होते हैं, उससे स्पीड धीरे भी कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। और जो AS स्टार्टर चैनल पर अगर आप देखेंगे, तो इसके जो पिछली बार जो सॉल्यूशन समझाते वीडियो, वो भी मिल जाएगी। अगर आप जैसे इस वीडियो को ढूंढेंगे तो लास्ट में चैनल का नाम लिख देना, AS स्टार्टर, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही सनशाइन ये चैनल है, ठीक है, इस पर भी आप वीडियोस बहुत सारे देख सकते हैं, बाकी उस पर भी आप देख सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल वीडियो में इतना ही है, ठीक है। अब आप आराम से इसे खुद देख सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।